जी महाराज का 646वां जन्मोत्सव बड़ी ही धूमधाम के साथ मनाया गया। मेन बाजार में समाज सेवी राम लखन सोनी द्वारा रविदास जी शोभा यात्रा का भव्य स्वागत किया गया। धूमधाम से निकाली गई संत शिरोमणि गुरु रविदास जी महाराज की शोभा यात्रा। पनवाड़ी महोबा में संत शिरोमणि श्री गुरु रविदास जी महाराज की 646वें जन्मोत्सव के अवसर पर पनवाड़ी कस्बे के रविदास मंदिर पनवाड़ी से गुरु रविदास जी की शोभा यात्रा का शुभारंभ हुआ। तिवारीपुरा, मेन बाजार, बनियाटपुरा, देवगनपुरा, अग्निहोत्रीपुरा, रोहिणियापुरा, राजगंज महोबा रोड बस स्टैंड, राठ, तिगैला, टेंडरी पेट्रोल पंप, सुभाष नगर, वापसी रविदास मंदिर में संत शिरोमणि रविदास जी जन्मोत्सव पर गोष्ठी का आयोजन किया गया। पनवाड़ी रविदास कमेटी के कोषाध्यक्ष मोतीलाल अहिरवार, प्रधानाचार्य नेहरू इंटर कॉलेज ने संत शिरोमणि गुरु रविदास जी के जीवन पर प्रकाश डाला। रविदास कमेटी के अध्यक्ष जयप्रकाश बौद्ध, शिक्षक ब्रज गोपाल, स्वामी दीन नारायण बाबू, रामस्वरूप दद्दा, हीरालाल शिक्षक आदि लोग मौजूद रहे। पनवाड़ी के समाज सेवियों के द्वारा जगह जगह जलपान की व्यवस्था कराई गई। वहीं संत शिरोमणि रविदास जी जयंती पर मेन बाजार पनवाड़ी में समाज सेवी राम लखन सोनी द्वारा भव्य स्वागत किया गया। संत रविदास जी को फूलमाला पहनाकर संत शिरोमणि जी को आरती उतार कर प्रसाद लगाया और सभी में वितरित किया। सभी की जलपान की व्यवस्था की। पुलिस प्रशासन की ओर से सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए गए। गुरु रविदास जी की शोभा यात्रा को सकुशल संपन्न कराने के लिए जगह जगह पुलिस के जवान तैनात किए गए, जिसमें महिला पुलिसकर्मी शामिल है। शोभा यात्रा को मुख्य बाजार पनवाड़ी से निकलवा कर वापसी उनके गंतव्य तक पहुंचाया गया। थाना कोतवाली पनवाड़ी प्रभारी निरीक्षक जयप्रकाश उपाध्याय और कस्बा इंचार्ज नरेश चंद्र निगम, नगारा घाट चौकी इंचार्ज रवि सिंह की मौजूदगी में भव्य शोभा यात्रा का समापन हुआ। अपडेट मीडिया के लिए पनवाड़ी से ब्रजेंद्र गुप्ता की रिपोर्ट।